चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बात करने वाले हैं हम लोग अशोक के बारे में, सम्राट अशोक जिसने भारत में मौर्य साम्राज्य को बहुत आगे तक बढ़ाया था। आज उनके बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह सम्राट अशोक ने अपने शासन तंत्र को चलाया, किस तरह उसका हृदय परिवर्तन हुआ और किस तरह उसने पूरे पृथ्वी में अपना हाहाकार मचाया था एक समय। देखिए अशोक एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शासक जो बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार के त्याग के बाद अशोक ने मौर्य सिंहासन को संभाला और उस पर शासन किया। 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने अपने शासन को चलाया। 269 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ और वो अवंती का उपराजा बना। उपराजा तो वो नाम का था, उसका पूरा काम अपने शासन प्रणाली को बढ़ाना था। बचपन से ही क्रूरता और उसके लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो खून को पानी की तरह बहा रहा था। लोगों को निर्मम हत्या करके वो राज सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। पूरे भारत में उसका मुख्य जो कार्य था वो चाहता था कि वो पूरे विश्व का राजा बने, उसे पूरा विश्व प्रतापी बने, चाहे उसके लिए कितने भी लोगों को मारा जाए उससे उसके फर्क नहीं पड़ने वाला था। अशोक का जो पूरा जीवन है उसके बारे में आज हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि इनका क्या एक बोल सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड था। देखिए अशोक की माँ का नाम शुभद्रांगी था। इनका विवाह दो स्त्रियों से हुआ था, जहाँ पहली इनकी धर्मपत्नी का नाम देवी था जो विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी और दूसरा कारुवकी था जो कलिंग की राजकुमारी थी। इस तरह से अशोक की दो धर्मपत्नियाँ थीं और इन दो धर्मपत्नियों से उन्हें महेंद्र, तीवर और शुभद्रांगी तीन संतान प्राप्त हुए थे। अशोक के समय में उनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे जो बहुत ही प्रतापी थे और जिनके विधि विधान से पूरा मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ा था। इनके पूरे चाणक्य नीति ने पूरे मौर्य साम्राज्य का जो चेहरा था वो बदल दिया था। चाणक्य एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसने तीन शासकों का शासन देखा था और उनके बाद राधा गुप्त जो थे वो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये चाणक्य के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या उत्तराधिकारी थे। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध विजय के बाद अशोक का पूरा जीवन परिवर्तन होता है या इसका हृदय परिवर्तन होता है। इसका क्या कारण था? देखिए 261 ईसा पूर्व जब कलिंग में जाकर के अशोक के भाई शुभद्रिंग जो थे वो छुप गए थे तो अशोक ने उन्हें ललकारा और कलिंग को एक आदेश दिया कि यदि आप हमारे भाई को वापस नहीं करते हैं तो हम आप पर हमला कर देंगे। इस चीज को देखते हुए कलिंग नरेश जो थे वो अड़ गए कि हम आपके बातों को नहीं मानेंगे। इससे अशोक को एक मौका मिला युद्ध करने का कलिंग के साथ और अशोक ने अपने सेनापति को वहाँ भेजा कलिंग में युद्ध करने के लिए, किंतु उनका सेनापति युद्ध में हार गया और वापस आया और अशोक को इसकी बेइज्जती सहन नहीं हुई और वह अपने 400,000 सैनिकों के साथ चल पड़े थे फिर से कलिंग में युद्ध करने के लिए। जब अशोक युद्ध के लिए वहाँ पहुँचे तो निर्मम जितने लोग थे सबको मारा जाने लगा, लोगों को ऐसे काटा जाने लगा कि मानिए कि कोई फसल काट रहा हो, चारों तरफ खून ही खून था। दया नामक एक नदी के पानी में सिर्फ खून की नदियां बह रही थी, चारों ओर लोग भाग रहे थे और त्राहिमा मच चुका था। अशोक की इस निर्मम नरसंहार ने पूरे साम्राज्य को तोड़ के रख दिया था। पूरा साम्राज्य जो था कलिंग का वो नष्ट हो चुका था। अशोक को जीत की अपनी खुशी से बहुत प्रभावित करके उसने यह परचम दिखाया कि वह मौर्य का पहला ऐसा शासक बना जिसने कलिंग को हराया है। जब वह कलिंग पहुंचा तो वहां की स्थिति को देखकर उसके मन का जो व्याकुलपन था वो बदलने लगा। कुछ बूढ़ी महिलाएं अपने बच्चों को अपने गोदी में उठाकर ला रहे थे और अशोक के समक्ष बोल रहे थे कि इसे फिर से जीवन दे दो, इसके जीवन को वापस करो, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या किया है। उन बच्चों का उम्र 14 से 13 साल का था। अशोक इस चीज को देख करके अंदर से कलपने लगे। कुछ दूर जब वो अपने घोड़े पे जाकर बैठने का प्रयास कर रहे थे तो कुछ बूढ़े आकर के उनके पैर पकड़ लिए और उन्होंने अशोक से आग्रह किया कि उन्हें मृत्यु दिया जाए, उनके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाए, क्योंकि उनका परिवार जो था अब नहीं बचा था, ना उनका बाल, ना बच्चा, ना कोई बचा था उनका परिवार में। वह बूढ़ा अकेले क्या करता, इसलिए बूढ़े ने पैर पकड़ के अशोक से कहा कि मुझे मार दो, मेरा इस जीवन में रहना बेकार है, इस दुनिया में मेरा रहना बेकार है, मुझे मार दिया जाए। जब वो अपने राज्य से निकल रहा था तो बहुत सारी विधवा महिलाएं तलवार भाला लेकर खड़ी थी और अशोक को आमंत्रित कर रही थी कि आओ अशोक हमसे युद्ध करो, हम युद्ध करना चाहते हैं। अशोक इस चीज को देख करके बहुत ही ज़्यादा शर्मसार हुआ। वह सोचा कि आज अशोक की ये स्थिति है कि उसे विधवा महिलाओं से युद्ध करना होगा।
अशोक की इस नीति को देखते हुए अशोक बहुत ज्यादा शर्मसार होकर के वो खुद में अपने आप को कोसने लगा। जब वो अपने महल में पहुंचा तो चारों ओर उसके दिमाग में वही घटनाएं दौड़ रही थी जिस घटना ने एक बहुत सारे लोगों को मारा था। चारों ओर खून की, रक्त की एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी उसके दिमाग में, जिससे उनका मन परिवर्तित होने लगा। इस तरह से अशोक का जो हृदय था वो कलपने लगा और अंततः अशोक ने युद्ध नीति को त्याग किया। और इस युद्ध नीति को त्याग करने के बाद अशोक ने यह प्रण लिया कि आज के बाद वो कभी भी कोई युद्ध नहीं करेगा और कभी भी किसी युद्ध का भागीदारी नहीं बनेगा। इसके कुछ समय बाद अशोक ने कलिंग के जितने भी लोग थे उन्हें पूरी तरह मुक्त किया कि आप जो भी सहायता हमसे होता है हम आपकी करेंगे, मौर्य साम्राज्य आपके साथ है। और मौर्य साम्राज्य के सभी राजाओं, सभी मंत्रियों को यह आदेश दिया गया कि अब कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए और कहीं भी कलिंग के साथ कहीं भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, सबको सम्मानपूर्वक उनका अधिकार मिलना चाहिए। और इस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्हें दीक्षा देने वाला मात्र 7 साल का निग्रोध नामक एक पुरुष बच्चा था जिसने अशोक को दीक्षा दी। उन्होंने धम्म घोष को अपनाया और धम्म घोष को अपनाने के बाद उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए जिससे मौर्य साम्राज्य और फलाफूला और बढ़ा। बंगाल की खाड़ी और ऐसे कई क्षेत्र में अशोक का बहुत विकास हुआ। उसकी जितनी भी क्रियाएं थी, जितनी भी काम थे, अच्छे काम, उसकी चर्चा होने लगी। अशोक अब बदल चुका था। अब अशोक के अंदर देश को और समाज कल्याण को आगे बढ़ाने का काम करना था। इन्हीं के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति भी हुई जिसमें अशोक ने एक निर्मम और एक कुव्यवस्थित चीज को त्याग करके एक अच्छे राजा का परिचय दिया और अपने सभी मंत्रियों के साथ यह कसम खाई कि अब हम देश में बौद्ध धर्म का विकास करेंगे, अब शांति को ही पूजा जाएगा, शांति को ही सब कुछ माना जाएगा। अशोक एक ऐसा राजा बन चुका था जिसने लोगों को यह निवेदन किया कि आप जात पात, छुआछूत और माँ बाप के साथ तुष्टिकरण ना करें, आप बड़ों का आदर करें, उनका सत्कार करें और उन्हें हमेशा पूजें। अशोक के इस हृदय परिवर्तन ने मौर्य साम्राज्य को एक नया सवेरा दिया था और इसी के तहत अशोक ने अपने तीसरे बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन कर दिया, जिसके बाद अशोक की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक होने लगी। उन्होंने ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि में कई सारे ऐसे अभिलेख लिखवाए जिससे अशोक का प्रचलन बढ़ता गया। अशोक ने 14 शिलालेख, 8 ताम्रपत्र शिलालेख, 6 अभिलेख और 6 लघु अभिलेख लिखवाए। इस तरह से अशोक का जो शासन प्रणाली था वो काफी उत्कृष्ट रहा। अशोक का हृदय परिवर्तन हो ही रहा था और इस तरह से अशोक के जितने भी दुश्मन थे वो अब उसके मित्र बनने लगे थे। किंतु कहीं ना कहीं अशोक को भी इसकी हानि उठानी पड़ती थी और इसकी हानि ऐसे उठती है कि अशोक जिस तरह एक अहिंसा राजा बन रहा था, एक बौद्ध भिक्षु बन रहा था, उसी तरह कुछ दुश्मन राष्ट्र इसके उन क्षेत्रों पर अपना कब्जा करने का प्रयास करने लगे जिन क्षेत्रों पर अशोक का दबदबा पहले था। और हुआ भी कुछ ऐसा, कई क्षेत्रों पर अशोक को उसके शासन तंत्र से निकाला जाने लगा। अशोक युद्ध नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ एक आग्रह के द्वारा उन राजाओं को समझा रहा था कि इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं है, जो है हमारा व्यवहार और हमारा परिचय है। किंतु उन राजाओं ने अशोक की बात नहीं सुनी और अशोक के साम्राज्य को हड़पना शुरू कर दिया और इस तरह से अशोक का शासनकाल तंत्र चला। 1837 में अशोक के सभी अभिलेखों को पढ़ा गया जिसे पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप्स थे और इन्होंने बहुत ही अच्छे से अशोक के बारे में बखान किया है। देखिए, इनके अभिलेख 1750 में ही मिल गए थे। टी कैंथर ने इसके अभिलेख को प्राप्त किया था किंतु उस समय ये पढ़ने में सक्षम नहीं हुआ था और जेम्स प्रिंसेप्स द्वारा इनके अभिलेखों को पढ़ा गया और पढ़ने के बाद जाना गया कि अशोक का जीवन चक्र किस तरह था। इस तरह से अशोक के 14 शिलालेख अभी वर्तमान में प्राप्त है। 7 से 6 ताम्रपत्रों में मात्र एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। इस तरह से अशोक का पूरा जीवन काल चला था और अशोक ने अपने जीवन चक्र में जितने भी गलत काम किए थे उसका पूरी तरह से निष्ठावान रूप से उसका प्रायश्चित किया था। तो आज हम लोगों ने जाना कि सम्राट अशोक किस तरह से हमारे देश के और हमारे साम्राज्य के, हमारे इतिहास के सबसे बड़े राजा थे। आज उन्हीं के द्वारा बनाया गया चक्र भारत के तिरंगे में अंकित है, वही तिरंगा जिसको आज हम लोग अपने गौरव मानते हैं।
तो आशा करते हैं अशोक की ये जीवनी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।